दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 14 लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। शो में देखा जाए तो कंटेस्टेंट के बीच लगातार जमकर बहसबाजी जारी है। ऐसे में देखा जाए तो बिग बॉस सीजन 14 की एक्स कंटेस्टेंट कविता कौशिक और कंटेस्टेंट एजाज खान भी काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। बिग बॉस के घर में एजाज खान और कविता के बीच जमकर बहसबाजी होती हुई नजर आई। ऐसे में देखा जाए तो अब कविता कौशिक को सपोर्ट करती हुई नजर आई हैं उनकी दोस्त और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट पॉपुलर एक्ट्रेस काम्या पंजाबी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि काम्या पंजाबी ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में एजाज खान को लेकर खुलासा किया है। काम्या पंजाबी ने एजाज खान को लेकर कहा है कि पहले मुझे ये बताने दीजिए कि मैं और कविता पिछले 15-16 सालों से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वहीं एजाज उस वक्त भी नहीं थे जब कविता के पापा दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वह उस वक्त भी वहां नहीं थे जब कविता की शादी हुई थी, तो फिर वह कविता के दोस्त कैसे हुए? एजाज ने केवल कविता को नीचा दिखाने के लिए बिग बॉस सीजन 14 के घर में उनकी मौजूदगी का फायदा उठाया है और विक्टिम कार्ड खेला है। इतना ही नहीं, काम्या पंजाबी ने कविता कौशिक को यहां पर सपोर्ट करते हुए एजाज खान को लेकर तमाम बड़े खुलासे भी किए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि काम्या पंजाबी कहती हुई नजर आई हैं कि ऐसी बात नहीं है कि एजाज के घर में खाना नहीं था या उनके पास पैसे नहीं थे खाना खरीदने के लिए। बस बात इतनी थी कि एजाज के कुक वहां मौजूद नहीं थे। उन दिनों कविता कौशिक जो कुछ भी बनाती थी उसकी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। ऐसे में एजाज ने कहा कि मुझे ये खाना बनाने से बहुत डर लगता है और मेरा कुक नहीं है, तुम मेरे लिए खाना बना दो। और इस तरीके से कविता कौशिक ने एजाज खान की लॉकडाउन के दौरान मदद की थी। वहीं शो में देखा जाए तो कविता कौशिक और एजाज खान के बीच जमकर बहसबाजी होती हुई नजर आई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कविता कौशिक ने शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी। वहीं कविता की एंट्री से खुश होकर एजाज खान ने कहा था कि दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। लेकिन एक बहस के दौरान कविता ने भड़कते हुए साफ कह दिया कि वो एजाज की दोस्त नहीं है, वह बस उन्हें जानती हैं। फिलहाल शो से बाहर हो चुकी हैं कविता कौशिक। वहीं काम्या अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।